अस्सलाम वालेकुम, प्रोफेसर नावला में आपको खुश आमदीद। और आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि गाड़ी के डूबने का, नहर या दरिया में डूबने का शॉट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इसके मुख्तलिफ मरहले हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमने सड़क के ऊपर चलती गाड़ी का शॉट कैसे बनाया। बेसिकली ये शॉट हमने बाइक के ऊपर बनाया है। हमारे कैमरामैन शहबाज भट्टी साहब ने बाइक के ऊपर गोप्रो के जरिए इस पहले सिर्फ वो शॉट जो है वो शूट किए, जिसमें मेरे राइट का जो शॉट है नहर का वो शूट किया, फिर फ्रंट का जो शॉट है उसको शूट किया। जो आप शॉट आखिर में देख रहे हैं कि गाड़ी नहर में डूब रही है, बेसिकली हमने शूट पहले किया था। ये शूट कैसे किया था पहले आप ये देखें। इस वक्त मैं लाहौर नहर पर पहुंच चुका हूँ, सड़क किनारे, और मेरे दाएं जानिब नहर है। ये मेरे पास एक ब्रिज के आखिरी खाने का जो डिब्बा है वो है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट लाने के लिए हम यहाँ पे शूट करने वाले हैं, और शूट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कोशिश करूंगा कि जहाँ के क्लियर वाटर मिले वहाँ पे हम जाएं। ये जगह ठीक रहेगी। जब गाड़ी पानी में डूबती है तो शीशे गाड़ी के जो लेफ्ट राइट पे आपका शीशा होगा वहाँ से पानी नज़र आता है, तो वो कैसे आएगा उसका शॉट हम बनाने आए हैं। आपके पास अगर मोबाइल है तब भी आप बना सकते हैं, मगर हमारे पास GoPro है, हम उसकी मदद से बनाएंगे। ऐसे आपके पास ट्रेपिंग है तो ट्रेपिंग भी कर सकते हैं, और इसको पानी के अंदर यूं डुबाएंगे और यहाँ तक रखेंगे, जाहिर है पानी अंदर ना आए इसका। हमारे पास ये प्लास्टिक का है, अगर आपके पास शीशे का हो तो ज़्यादा बेहतर है। हमने ये इसलिए लिया है कि हम आम लोगों को, आम लोग भी कर सकें, इसलिए ये ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये घर में फ्रिज तो तकरीबन हर घर में होता है, तो इसलिए इस डिब्बे के अंदर ट्राई कर रहे हैं। और मोबाइल फ़ोन से भी हो सकता है ये वाला, लेकिन हम GoPro कैमरा यूज़ करेंगे और ये शॉट बनाते हैं, देखते हैं शॉट कैसा बनता है। अब हम बात करते हैं कि विंड स्क्रीन पे पानी जब स्प्लैश हो रहा है, नहर का पानी विंड स्क्रीन पे जब लग रहा है, जाहिर है जब गाड़ी नहर के अंदर गई है तो सबसे पहले विंड स्क्रीन के ऊपर पानी लगा है, वो शॉट हमने कैसे शूट किया था वो देखें। अब हमारा एक ही शॉट रह गया है कि हमने गाड़ी को कैसे लेके आना है, जाहिर है गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर, तो वो कैसे शूट किया है। इसका शूट बहुत ही आसान है, दो तीन मुख्तलिफ तरीके हैं, मगर हमने सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के ऊपर इसका शूट किया है। आपने दो तरफ शॉट देखा होगा, एक मेरे राइट हैंड पे ट्रैफिक का देखा होगा, दूसरा मेरे विंड स्क्रीन की तरफ से ट्रैफिक का देखा होगा। तो दो तरफ आपने ग्रीन स्क्रीन लगानी है, एक मेरे राइट हैंड विंडो से और एक सामने विंड स्क्रीन से। मगर डे में जब भी आप शूट करें तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि डे में जब गाड़ी का ग्रीन स्क्रीन शूट करना है तो जो विंडो वाली साइड है, यानी जो कैमरा है वो पैसेंजर सीट वाली साइड से है, वो तो शीशा नीचे होगा ही, मेरा जो ड्राइवर सीट वाली साइड का जो शीशा है उसको भी आपने नीचे करना है। डे शूट में आपको एहतियात करना पड़ेगा, लेकिन जब आप नाइट में शूट कर रहे हैं गाड़ी का ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, तो जो ड्राइवर वाला जो शीशा, जो भी करेक्टर वाला शीशा होगा उसे आप ऊपर ही रखिएगा, क्योंकि अदरवाइज वो रिफ्लेक्शन पड़ेगा, वो आपके लिए मसला आएगा। डे में भी शीशों पर रख के शूट किया जा सकता है, मगर उसके लिए बहुत कंट्रोल लाइट करना ज़रूरी है, जो कि हमारे सीन में ऐसा नहीं था, इसलिए फिर हमने विंडो को नीचे करके शूट किया था। तो ग्रीन स्क्रीन को कट करना इसमें आसान होता है। तो ये एक टिप है कि जब भी आप डे में शूट करें गाड़ी का ग्रीन स्क्रीन, तो अपना जो विंडो शीशा है जो करैक्टर से ग्रीन स्क्रीन के बीच में आता है उसको नीचे करना है, और जो कैमरा और करैक्टर के बीच में शीशा आ रहा है उसको भी नीचे करना है आपने। तो ये ग्रीन स्क्रीन मुकम्मल हो गया है। अब हम बात करते हैं कि गाड़ी का फुटपाथ से टकराने का सीन हमने कैसे शूट किया है। अपने कैमरा या मोबाइल कैमरा, जो भी कैमरा आपके हाथ में है, उसको यूँ पकड़ना है और सीधे भागना है। अचानक आपने मुड़ना है, फुटपाथ के साथ टकराने का जो इम्पैक्ट है वो अपने कैमरे को उसी ऑकवर्ड मूवमेंट में देना, यानी हमने कैमरे को ऊपर को किया और बाद में ये राइट लेफ्ट का मूव किया। जाहिर है जब गाड़ी फुटपाथ से टकराएगी तो इस तरह की ही एक मूवमेंट क्रिएट होगी, और फिर तेज़ी से भाग के हम नहर की तरफ गए हैं। यही इम्पैक्ट था कि गाड़ी भी अगर टकराती तो एग्जैक्टली ऐसे ही मूव करती। तो आप समझें कि गाड़ी की जगह आपने कैमरा को वैसे मूव करना है कि गाड़ी अगर टकराएगी फुटपाथ से तो वो किस तरह की मूवमेंट दे सकती है, एग्जैक्टली वैसी मूवमेंट आपने कैमरे को देनी है। हमारा शूट मुकम्मल हो गया, और अब बात करते हैं एडिटिंग की। एडिटिंग बहुत ही आसान है, सिंपल। जिस तरह हम ग्रीन स्क्रीन को कट करते हैं, हमने जो ट्रैफिक वाला शॉट, इसमें गाड़ी चला रहा हूँ उसमें हमें ग्रीन स्क्रीन को कट करना है, और जो राइट पे शूट किया था ट्रैफिक का शॉट वो वहाँ पे लगाना है, और जो विंड स्क्रीन की तरफ शूट किया था ग्रीन स्क्रीन को कट करके विंड स्क्रीन वाला शॉट लगा देना है। बाद में आपने उसके कलर कॉम्बिनेशन थोड़े बेहतर करने हैं ताकि वो शॉट में जेन्युइन जो है वो शॉट लगे। साथ में हमने साउंड इफेक्ट यूज़ किया है कि गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है और ट्रैफिक भी साथ में है। इस
तरह के शूट में साउंड इफेक्ट बहुत मैटर करती है। अगर आपके साउंड इफेक्ट हर शॉट के साथ मैच कर रहे हैं तो आपको रियलिटी उसमें दिखेगी। जैसे हमने दिखाया कि फिर फ़ोन आता है, फ़ोन की बेल हमने साउंड इफेक्ट पे लगाई हुई है तो मेरा ध्यान फ़ोन की तरफ जाता है। फिर साथ ही हमने साउंड इफेक्ट ऐसा लगाया है कि वाकई जैसे लगे कि गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, क्योंकि मेरा ध्यान फ़ोन के ऊपर था, गाड़ी के ऊपर नहीं था। तो गाड़ी जैसे ही रोड से नीचे उतरती है, फुटपाथ से टकराती है, हमने वो साउंड इफेक्ट लगाया, जैसे एक थोड़ी सी रियलिटी आती है कि गाड़ी कैसे उसके साथ लगेगी और सीधा पानी में जाएगी। फिर फौरन उसके बाद कट करके वो शॉट लगाना जिसमें विंडस्क्रीन के ऊपर पानी लगा है। गाड़ी जैसे ही ज़ाहिर नहर में जाएगी तो सबसे पहले वही शॉट आएगा कि जो मेरी विंडस्क्रीन है उसके साथ पानी टकराएगा, या मेरी विंडस्क्रीन वाला हिस्सा जो गाड़ी का है वो पहले नहर में जाएगा। तो उसके बाद जो दूसरा शॉट लगेगा वो यही लगेगा कि विंडस्क्रीन के ऊपर पानी जब है वो कैसे आया है। थर्ड शॉट है कि राइट हैंड पे, यानी गाड़ी डूब रही है और राइट हैंड से पानी ऊपर आ रहा है, तो उसमें हमने जो अलग शॉट बनाया था कैमरा रख के, गोप्रो को शीशे वाले मर्तबान के अंदर रख के, हमने वो वाला शॉट ग्रीन स्क्रीन से कट करके यहाँ पे लगाना है। तो उसका इम्पैक्ट एग्जैक्टली वैसा ही आएगा कि पानी जो है वो मेरी जो स्क्रीन है राइट हैंड पे उससे ऊपर को आ रहा है। तो इसमें एक खास बात कि जैसे जैसे पानी ऊपर आएगा आप देखें मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है चेहरे का वो भी चेंज हो रहा है, तो ये अपने कलर टोन के जरिए चेंज करना है ताकि लगे कि गाड़ी इसके अंदर डूब रही है। अब आखिरी शॉट की बात करते हैं कि गाड़ी नहर के अंदर मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। ये शॉट भी दरअसल दो तीन शॉट्स का मजमूआ आप कह सकते हैं। पहला शॉट जो है हमने वो शूट किया था कि खाली गाड़ी खड़ी की थी और गोप्रो के ज़रिए हमने गोप्रो को टिल अप किया था, बड़ा स्मूथ किया था, और फिर बाद में हमने इसी शॉट में से सिर्फ गाड़ी को मास्क आउट किया, यानी मास्क करके सिर्फ गाड़ी का शॉट निकाला है। और इस शॉट को हमने मिक्स किया है नहर के शॉट को, यानी हमने नहर के ऊपर एक शॉट बनाया था जिसमें सिर्फ नहर दिख रही है, तो हमने मास्क की हुई गाड़ी को नहर के पानी में डाला है। और आपने देखा था कि जब हमने गाड़ी का शूट किया था तो टिलअप मूवमेंट दी थी, तो यही मूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है मैच की है कि हम जैसे हमारी गाड़ी जब टिलअप मूवमेंट हो रही है साथ साथ हम गाड़ी को मास्क आउट करते जा रहे हैं पानी के अंदर, तो ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी पानी के अंदर डूब रही है। इसी शॉट को हमने तो प्रीमियर में एडिट किया है, मगर अगर आपने ये इम्पैक्ट देना है कि गाड़ी मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, गाड़ी के ऊपर भी पानी है, तो ये आफ्टर इफेक्ट के ज़रिए हो सकता है। ये ऐसा हम करना चाह रहे थे मगर चूंकि लाहौर केनाल का पानी वो है बहुत गदला है तो उसमें ये इम्पैक्ट नहीं आना था। हम कोशिश करेंगे अगर आपकी ख्वाहिश हो तो हम किसी दरिया में या किसी और जगह पर जाकर इसको अलग शूट करें और ये बताएँ कि मुकम्मल तौर पर गाड़ी पानी के अंदर जब डूब जाती है तो उसका शॉट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। मगर इस तरह का शॉट इस कंडीशन के अंदर अच्छे से वर्क कर रहा था, इसलिए हमने यहाँ तक ही को महसूस रखा है। उम्मीद है आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और मजीद हम किस तरह की ट्रिक बनाएं, हम कोशिश करेंगे कि अर्तुगरुल ड्रामे में जहां पर तलवारों के जरिए सर काटे जा रहे हैं और नेजाबाजी की जाती है, वो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट किया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट हमको वो वीडियो बनाएं, और हम एक और प्रोजेक्ट के ऊपर काम भी कर रहे हैं जिसके हम सीन बाय सीन भी आपको ट्यूटोरियल बताएंगे कि फाइट सीन, एक्सीडेंटल सीन कैसे मूवी के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। तो ये बड़े मज़े के सीन और ट्यूटोरियल आगे आपको मिलेंगे, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक्सप्रोविस नालों को आप सब्सक्राइब भी करें और मुकम्मल वीडियो देखा करें। जहाँ से आपको समझ ना आए कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में जाकर भी उसका जवाब देंगे। आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।